हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला है कि सर हमें बताइए स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बहुत कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन चलिए ये देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे कोड ब्लॉक्स पे। ठीक है, वो प्रोग्राम जो भी लिखेंगे वो हम कोड ब्लॉक्स पे लिखने वाले हैं। तो कोड ब्लॉक्स को पहले आपको ओपन कर लेना है, तो हमने यहां से कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेते हैं। ये कोड ब्लॉक्स मेरे पास पहले से ओपन है और अब यहां पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं, हेडर फाइल लिखता हूं। तो हेडर फाइल हम क्या बनाते हैं, हेडर फाइल हम बना लेते हैं हैश इंक्लूड, जो हमेशा की तरह हम बनाते आए हैं stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट stdio.h, ये लिखा हमने, एंटर प्रेस किया। फिर यहां पर हैश इंक्लूड, एक हेडर फाइल इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं math.h के नाम से। ठीक है, आपको अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो math.h आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हम लगाएंगे math.h। ओके, तो यहां पे लगा लेता हूं math math.h, ये लगा लिया हमने और क्लोज कर दिया। एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और यहां पर इंट मेन लिखता हूं, मेन फंक्शन हमारा जो है, तो यहां इंट मेन बना लिया हमने और एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगा लिया। यहां पर हम फ्लोट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा यह होगा कि हम डबल यानी डबल डेटा टाइप का यूज करें। किसका यूज करें, डबल। तो यहां पे डबल मैं रखता हूं, आप फ्लोट भी रख सकते हैं, रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं फ्लोट रख करके, पहले डबल रख लेते हैं। तो यहां डबल डेटा टाइप का मैं यूज कर रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वेरिएबल बना लिया ए नाम से, ठीक है, ए नाम से, इसमें कोई नंबर स्टोर हो जाएगा, और एक वेरिएबल बना लिया आर नाम से। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखना है, यूजर को स्क्रीन पर क्या दिखाई पड़ना चाहिए। तो यहां पे लिखता हूं printf। printf ही वो फंक्शन है जिसमें हम वो चीज देंगे जो यूजर को स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। तो यहां लिखता हूं एंटर अ नंबर, तो उसका, ठीक है, और यहां पर करता हूं इसे टर्मिनेट। फिर यहां पर चूंकि यूजर एंटर करेगा, दैट्स वाई यहां स्कैनफ लिखना भी जरूरी। ठीक है, तो यहां स्कैनफ लिख दिया और यहां पर क्या देंगे हम, परसेंट डी। अगर परसेंट डी देंगे तो क्या होगा, परसेंट डी देंगे तो वहां पे इंटीजर लिखना पड़ता और फिर हम पॉइंट नहीं कैलकुलेट कर पाते। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखता हूं परसेंट एलएफ। ठीक है, एलएफ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है किसका, डबल का। ठीक है, और इसको कर देता हूं यहां पे परसेंट एलएफ, और इसको कर देता हूं यहां पे नोटेड कॉमा को क्लोज, कॉमा दिया, और फिर ये वैल्यू कहां जाकर स्टोर होगी, ये वैल्यू जाकर स्टोर होगी एंड यानी एड्रेस ऑफ सिंबल लिखा हमने, ये एड्रेस ऑफ सिंबल है और हमने एक वेरिएबल बनाया है ए, ए में जाके ये स्टोर हो जाएगी। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, नीचे आता हूं और यहां पर चूंकि हमने एक वेरिएबल बनाया है आर, तो आर ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू एक फंक्शन का यूज करेंगे एसक्यूआरटी। ओके, तो यहां लगाया एसक्यूआरटी और एसक्यूआरटी, और यहां पर ए में चूंकि वैल्यू स्टोर होगी तो यहां ए दे देते हैं और यहां पे टर्मिनेट कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं आप प्रिंट एफ। ठीक है, अब हमें प्रिंट करवाना है, तो यहां लिख दिया प्रिंट एफ और यहां पे दे देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ परसेंट एल एफ इज इक्वल टू परसेंट एल एफ, ये लिख दिया हमने और क्लोज कर दिया इसे। ठीक है, क्लोज कर दिया और कॉमा दिया और यहां पे दे देता हूं ए। ठीक है, यहां पे क्या दे दूंगा ए, फिर क्या दूंगा कॉमा आर, आर में जाके स्टोर होगी, तो ये आर भी दे दिया और ए भी दे दिया, दोनों दे दिया और यहां पे कर दिया इसे टर्मिनेट। ठीक है, अब एट लास्ट यहां पे दे देता हूं रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो देना है, सॉरी रिटर्न जीरो। ओके, जीरो, और इसे यहां से किया टर्मिनेट और कर्ली ब्रेसेस को कर दिया क्लोज। अब बारी है इसे सेव करने की, तो चलिए आइए इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसे मैं सेव कर रहा हूं, तो यहां पे आ चुके हैं हम और यहां मैं इसे सेव कर रहा हूं sqre ओके डॉट सी। तो ये स्क्वायर के नाम से इसे सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पे, तो ये डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को चलाने का वक्त आ गया है, तो चलिए इसे चलाते हैं, यहां से इसे कंपाइल करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल तो हो गया है। यहां पर कुछ दिक्कत है, देखते हैं क्या दिक्कत है, पर कॉमा छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कॉमा हम लगा लेते हैं, ये कॉमा लगा लिया हमने और अब इसे दोबारा से कर दिया सेव और अब यहां से करते हैं कंपाइल। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा।
ये देखिए प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब क्या करना है हमें, यहां से रन पे करना है क्लिक, तो यहां पे रन भी हो गया हमारा प्रोग्राम। अब जबकि हम यहां 5 लिखते हैं तो 5 का स्क्वायर रूट 2.236068 यहां तक आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 का ही स्क्वायर रूट हमने निकाला है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने डबल लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लोट लेते हैं, ठीक है। यहां पर जहां जहां डबल किया हमने वहां वहां फ्लोट कर देंगे, तो यहां पे कर देता हूं फ्लोट, ठीक है, FLOAT फ्लोट कर दिया, और यहां पर कर देंगे परसेंट एफ, एलएफ की जगह परसेंट एफ, ठीक है, यहां पर भी परसेंट एफ और यहां पर भी परसेंट एफ कर देता हूं। और अब इसी का रिजल्ट हम देखेंगे, सेम रिजल्ट, तो ये सेव कर लिया हमने। अब यहां से कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल तो हो ही जाएगा, ये कंपाइल हो गया। अब यहां से इसको करवाते हैं रन, तो ये रन भी हो चुका है। अब 5 का ही निकालता हूं मैं, तो यहां पे देख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर